भूपेंद्र हुड्डा के रोहतक चौटाला के गणसिरसा को नहीं भेद पाई भाजपा। नू में भी मुरझाया रहा कमल। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का कीर्तिमान बनाया है। पार्टी ने पहली बार 48 सीटें जीती हैं। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह जिला रोहतक चौटाला परिवार का गढ़सिरसा और मुस्लिम बहुल नू जिले में कमल नहीं खिल सका। बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 48, कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। चंडीगढ़ हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा ने विधानसभा चुनाव में पहली बार रिकॉर्ड 48 सीटें जीती हैं। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह जिले रोहतक चौटाला परिवार के गृह जिले सिरसा और मुस्लिमों के गढ़नूह को भाजपा नहीं भेद पाई। फतेहाबाद, झज्जर सहित 5 जिलों में भाजपा का खाता नहीं खुल पाया। पिछले चुनावों में इन जिलों में नहीं खिल पाया था कमल। पिछले विधानसभा चुनाव में भी चरखी, दादरी, रोहतक, झज्जर, सिरसा और नू में कमल नहीं खिल पाया था। भाजपा के साथ सीधी टक्कर में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी 5 जिलों करनाल, पानीपत, चरखी, दादरी, रेवाड़ी और गुरुग्राम में खाता नहीं खोल पाई। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के हाथ कैथल, चरखी, दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम और पलवल में खाली रहे थे। सिरसा जिले में ही सिमट कर रह गई इनेलो। इनेलो पिछली बार की तरह केवल सिरसा जिले में सिमट कर रह गई। पिछली बार एलनाबाद से जीतने वाले अभय चौटाला भले ही हार गए, लेकिन रानिया में अर्जुन चौटाला और डबवाली में आदित्य चौटाला ने इनेलो को इस बार जीत दिला दी। पिछले विधानसभा चुनाव में 6 जिलों में जीतने वाली जननायक जनता पार्टी जजपा इस बार कहीं खाता खोलना तो दूर जमानत भी नहीं बचा पाई। पिछले चुनाव में अच्छा था जजपा का प्रदर्शन। 2019 के विधानसभा चुनाव में जजपा ने जिंद और हिसार में सर्वाधिक 3-3 सीटें जीतने के साथ ही कैथल, कुरुक्षेत्र, चरखी, दादरी और फतेहाबाद में 1-1 सीट जीती थी। 7 जिलों के थल चरखी, दादरी, करनाल, रोहतक, सिरसा, गुरुग्राम और फरीदाबाद ने विजय पताका फहराने वाले निर्दलीय भी इस बार सोनीपत, हिसार और झज्जर में सिमट कर रह गए हैं।